वहीं मध्य प्रदेश एनएसयूआई के पूर्व मेडिकल विंग संयोजक रवि परमार के नेतृत्व में सैकड़ों पीड़ित छात्राएं हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की प्रभारी उप प्राचार्य रजनी नायर को हटाने की मांग लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज एडमिन ब्लॉक में धरने पर बैठी हैं। छात्राओं की मांग है कि मेडिकल कॉलेज डीन अविलंब दोषी उप प्राचार्य पर कार्रवाई करें। रवि परमार ने बताया कि सभी छात्राओं ने अधोहस्ताक्षरी ज्ञापन डीन को सौंपकर बताया कि हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की प्रभारी उप प्राचार्य को हटवाने छात्राओं के साथ एनएसयूआई धरने पर बैठी है। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के पूर्व मेडिकल विंग संयोजक रवि परमार के नेतृत्व में सुबह सैकड़ों पीड़ित छात्राएं हमीदिया नर्सिंग कॉलेज का प्रभारी उप प्राचार्य रजनी नायर को हटाने की मांग को लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज एडमिन ब्लॉक में धरने पर बैठी। छात्राओं की मांग है कि मेडिकल कॉलेज डीन अविलंब दोषी उप प्राचार्य पर कार्रवाई करें। आज हम यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की मांगों को लेकर, जो हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं हैं, जो कि हमारी बहनें हैं, उनको नर्सिंग कॉलेज के उप प्राचार्य रजनी नायर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी प्रताड़ना को देखते हुए आज हम यहाँ पर एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं कि उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए। यहाँ पे हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की सभी छात्राएं बैठी हुई है, उनके साथ हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो उप प्राचार्य रजनी नायर द्वारा उनके द्वारा जो नर्सिंग की छात्राएं हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर और उनके जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में उनको टिप्पणी करके लगातार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, और उससे लेकर छात्र छात्राएं काफ़ी ज़्यादा परेशान है और छात्र छात्राओं को लगातार रजनी नायर द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैं आप सबको देख लूँगी। तो आज हमको उनको हटाने की मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर